केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए देखते हैं केलांचल टॉप 10, जहाँ पे होगी देश और राज्य से जुड़ी प्रमुख खबरें। बंगाल में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर बीजेपी तूफान विधायक को मुंबई से 450 किलोमीटर, दक्षिण से गुजरात से 700 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। एनडीआरएफ ने संबंधित राज्यों से 79 टीमों को तैनात कराया है और 22 अतिरिक्त टीमों को भी तैयार रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के अनर्थकारी टीका रणनीति विनाशकारी तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी। भारत को उचित टीका रणनीति की आवश्यकता है। वहीं सलमान खान और दिशा पटानी की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ने तीसरे दिन भी जबरदस्त कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर आंकड़ों में 18% का उछाल देखने को मिला है। बंगाल में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर बीजेपी के 3 विधायक हिरासत में लिए गए, बाद में रिहा कर दिया गया। सरकार ने बताया कि अब धीरे धीरे पेरी अर्बन यानी कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी कोरोना का फैलाव देखा जा रहा है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी है, लेकिन 24 घंटे में फिर भी 4000 से अधिक लोगों की जान चली गई। खबर रांची की है। ममता पर कोरोना भारी, 2 साल के संक्रमित बच्चे को छोड़कर भागे माँ बाप, वार्ड बॉय ने किया अंतिम संस्कार। रांची के वृद्धाश्रम पहुंचे सीएम हेमंत ने बुजुर्गों का जाना हाल, बोले परिजनों से वंचित लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। शहाबुद्दीन के करीबी की हत्या, सिवान में अपराधियों ने युवक को गोलियों किया छलनी, मृतक बाबर अली पर दर्ज थे 19 मुकदमे। वहीं पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षाएं रद्द, जून से होनी थी 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम, कोरोना के चलते 30 मई तक लॉकडाउन जारी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।